बच्चों में दो कैटेगरीज नज़र आ रही है, एक बहुत छोटे हैं और जैसे बाहर हैं आप हैं तैयार हैं, और ये थोड़े दिन में खतरे जो हैं उनकी बिल्ड भी अच्छी है और इनको बॉल करने में आसानी भी है। तो अगर मेरी तरफ से फुल मार्क्स किसी को जाते हैं तो इस छोटे बच्चे को जाएंगे, इकबाल को जो यंगस्टर है ना ये बच्चा जाएंगे। लाइन पे तो बॉलिंग थी और उसके बाद क्या किया कि इसका ये इंटेंशन नहीं नज़र आ रहा था कि मैं इसको कोई वेरिएशन करूँ इसका। उसके अलावा दूसरे जो छोटे जितने भी बच्चों ने बॉल्स किए ना बहुत अच्छे, एज ग्रुप के हिसाब से मेरे ख्याल से उनको ये मालूम है कि यार हमने आप क्या सीख रहे हैं और क्या कर रहे हैं। अब आ जाते हैं हम बड़े एज ग्रुप में, तो जैसे शायान है, ये है उनका नाम मुझे नहीं मालूम, इन्होंने तो बहुत अच्छी की लेकिन आज इनकी बॉलिंग बिल्कुल सही नहीं। ये बहुत ज़्यादा स्पिन की तरफ जा रहे थे तो ये थोड़ा सा, और लाइन भी सही नहीं थी ना तो सही बात, हालांकि बहुत अच्छे बॉलर ज़्यादा सीखे भी हैं, मैचेस भी किए, लेकिन इन तीन में बहुत अच्छी थी। अब एक और है जो बच्चा मेरे ख्याल से शायद ये है वो जो यहाँ से फास्ट बॉलिंग कर रहा था, आप ही देखिए ये बहुत अच्छी बॉल कर रहा था, और बाहर का ये था कि ये जो है ना बॉल में जो है वेरिएशन ला, तेज भी है और वेरिएशन लाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वही है लाइन एंड लेंथ का इशू है। सब इनको कम इसलिए होना चाहिए कि ये ज़्यादा सीख चुके हैं, तो उनकी बनिस्बत देखा जाए तो छोटे बच्चों ने ना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया मेरी नज़र। तो अब ये इनको इनके लिए अलार्मिंग है कि ये जो है ना टीम इतना अच्छा कर पाए, हालांकि ये क्रिकेट को सब समझ रहे हैं, ये शायान है ये तो रेगुलर मैचेस खेलते हैं, तो इनको चाहिए अपनी लाइन एंड लाइन को वो करें, लेकिन छोटे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह ये सब बहुत अच्छे हैं और बेहतर कर रहे हैं। ये थोड़ा सा अगर आप विकेट पे खड़े होंगे, रजा भाई यहाँ हैं, तो जब रजा भाई बॉलर्स को कुछ बता रहे हैं ना तो वो वाकई उसमें तब्दीली आ रही है, तो वो जाहिर है अगर कोई बताने वाला कोई चीज़ जज कर रहा है और उसको उस अंदाज में बता रहा है कि हाँ यार आप में ये खामी है, तो सीखने वाला अगर उसको डिलीवर कर रहा है तो इसका मतलब है वो दोनों की सिंक्रोनाइज हो रहा है वो सारी चीज़ें, क्योंकि खामी क्या है और ना उसने उसको किस तरह तब्दील कर दिया। तो रजा भाई ने जब जब किसी को बताया खड़े होके उस लम्हे, तो वो बच्चे ने वो कोशिश की है, तो ये है ना मुझे अच्छा लगा कि लोग है ना सीखने की तरफ जा रहे हैं। हाँ अब आ जाते हैं फील्डिंग की तरफ, तो कोई अटेंशन नहीं है बच्चों की कि हमें है ना किस तरह खड़ा होना चाहिए। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था, जब भी बैट्समैन खेलने के लिए रेडी हुआ तो कोई ये मत समझे कि बॉल मेरी जानेब नहीं है, हर कोई ये समझे कि शायद बॉल मेरे ही पास आए, तो उसको अलर्ट रहना बहुत जरूरी, तो अलर्ट नहीं है किसी को हो जाएंगे उसको ईजी ले रहे, बाकी तो सब ठीक है समझ रहे हैं, लेकिन शायद इनमें आपस में दोस्ती यारी ज़्यादा है तो वो उसको उस माहौल में है, तो इनको ये चाहिए कि जब भी ग्राउंड में हो तो टोटल इनका फोकस जो है बॉलिंग है, फील्डिंग है और बैट्समैन जो है उनका अपोनेंट जो है वो क्या कर रहा है उसके बारे में सोचना चाहिए, कैसे खेल लिया उसने, अच्छी बॉल को भी आप है ना अच्छे अंदाज में खेल रहे हैं या उस पर स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं, तो ये भी हमें सीखना पड़ेगा आपको। तो बहरहाल ओवरऑल सब तकरीबन बेहतर है, लेकिन बड़े बच्चों को ज़्यादा चाहिए कि वो ये अच्छा करेंगे तो दूसरे जो छोटे हैं ना ये इनको एडमायर करेंगे, देखेंगे कि यार ये इन्होंने ऐसा किया हम क्यों ना कर सकें, तो बहरहाल ओवरऑल सबके लिए ऑल द बेस्ट, सब ने अच्छा किया। हाँ यार वो बहुत आउटस्टैंडिंग बहुत अच्छी गुड लेंथ और उसकी डिलीवरी में क्या एक वो पेस भी थी, ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ स्पिन हो गई बल्कि सामने से वो पेस के साथ पॉइंट कर दो पता लग जाए उसको। हाँ आदि की बात हो रही है, बहुत अच्छी बॉल थी। हमारे पास आपके दो नोट्स हैं तो कौन सी चल रही है।